Yeah. हेलो गाइस, वेलकम टू द एस्ट्री न्यूज सीरीज, जिसमें आपको देता हूँ हॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज और सुपर हीरो टीवी सीरीज रिलेटेड सारी न्यूज़। तो आज भी मैं आपके लिए मार्वल डीसी और कहीं टीवी सीरीज रिलेटेड कहीं ऑसम न्यूज़ लेकर आया हूँ। पर उससे पहले आप अपने प्यार और सपोर्ट के साथ इस वीडियो को भी लाइक एंड पूरा कर देना। तो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली न्यूज है द बैटमैन मूवी को लेकर। सो गाइस, जिस तरह से बैटमैन के कॉस्ट्यूम का जो टीजर रिवील हुआ था, उसमें बैटमैन के कॉस्ट्यूम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट रिवील हुई थी। लेकिन गाइस, अब इस मूवी के सेट फोटो से बैटमैन के बैट कॉस्ट्यूम के कुछ सेट फोटो रिवील हुए हैं, जिसमें आसानी से बैटमैन के बैट कॉस्ट्यूम को देखा जा सकता है। सो ये कुछ सेट फोटोज हैं द बैटमैन मूवी के, जिसमें क्लियरली बैटमैन का आर्मर लुक अपीयर हो रहा है। सेट फोटोज के अकॉर्डिंग इस मूवी में बैटमैन सूट हैवी लुक का ही होगा, और इस सूट में बैटमैन के ईयर का पार्ट भी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बैट सूट की केप मिसिंग है, तो आपको बता दूं कि मोस्टली सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम की केप के पार्ट को CGI के हेल्प से मूवी की शूटिंग के बाद ऐड किया जाता है। वैसे ये लुक आने के बाद कुछ फैंस पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, और बैटमैन के इस आर्मर लुक को मूवी के फाइनल वर्जन में देखना नहीं चाहते हैं। अब फिलहाल अभी इस सूट पर बहुत सा वर्क होना बाकी है। जब इस सूट पर CGI और VFX अप्लाई हो जाएगा, तो ये सूट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, और तब जाकर सही फैंस सेटिस्फाई होंगे। अगली न्यूज है लोकी की टीवी सीरीज को लेकर। तो गाइस, ये अपडेट MCU के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एवेंजर्स एंड गेम में जिस तरह से टाइम ट्रेवल बार बार किया गया, टाइमलाइन में बहुत बार चेंजेस किए गए, उसके बाद सभी फैंस स्पेशली कॉमिक फैंस को ये बिलीव था कि इस वजह से सभी सुपर हीरोज का एक न्यू एनिमी बन जाएगा, जो है कैंग द कॉन्करर। क्योंकि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग मार्वल यूनिवर्स में जो भी टाइमलाइन में बार बार चेंजेस करता है, उसका रियल एनिमी कैंग द कॉन्करर होता है, क्योंकि उसके कैरेक्टर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो एक तरह से टाइमलाइन का प्रोटेक्टर है। तो अब मैं कैंग द कॉन्करर की बात क्यों कर रहा हूं, और किस तरह से वो MCU में डेब्यू करने वाला है, उसको लेकर ये रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक MCU में जिस तरह के इवेंट हुए हैं, वो MCU में कैंग के आने की पूरी पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं। साथ ही लोकी टीवी सीरीज में TVA यानी कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी का कंफर्म होना इस बात को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि लोकी टीवी सीरीज में कैंग द कॉन्करर जरूर अपीयर होगा। यानी इस रोल को और कोई नहीं, ओएन विल्सन प्ले करेंगे, जो भी हाल ही में इस टीवी सीरीज का पार्ट बने थे। सो गाइस, इस तरह से MCU के फेस 4 और MCU के फेस 5 के लिए कैंग द कॉन्करर MCU का मेन विलन हो सकता है। ये फिलहाल तभी कंफर्म होगा जब लोकी की टीवी सीरीज आ जाएगी और कैंग द कॉन्करर का जो कैरेक्टर है वो अपीयर होगा। तो गाइस, अब देखते हैं कि आगे इस कैरेक्टर को लेकर और क्या इंटरेस्टिंग अपडेट आती है। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को लेकर। तो गाइस, सैम रेमी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। अब ये न्यूज तो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है, और मुझे पता है कि आप सभी को ये न्यूज मिल चुकी होगी। लेकिन गाइस, अभी भी इस न्यूज को, इस अपडेट को मार्वल की तरफ से ना ही सैम रेमी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा है, तो पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सैम रेमी अभी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को डायरेक्ट करने ही वाले हैं। लेकिन गाइस, सब कुछ ऐसा हुआ जो सैम रेमी से रिलेटेड इस न्यूज को कुछ हद तक ऑफिशियली कंफर्म कर रहा है। सो हुआ यह है कि डायरेक्टर सैम रेमी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग 13 से 15 मार्च तक मॉन्स्टर मेनिया कॉन को अटेंड करने वाले थे, लेकिन अब किसी रीजन की वजह से जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का प्रोजेक्ट, अब सैम रेमी मॉन्स्टर मेनिया कॉन को अटेंड नहीं करने वाले हैं। यानी अब इसके बाद ऐसे भी रूमर क्रिएट हुए हैं कि मे बी मार्वल अब अगले वन से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने वाला है। वैसे गाइस, मार्वल और DC को लेकर कुछ ऐसी अपडेट आती हैं जो पूरी तरह से रूमर होती हैं, तो इन अपडेट को लेकर पूरी तरह से बिलीव नहीं करा जा सकता कि आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होगा। सो इसी को लेकर अभी से एक महीने पहले ये रूमर न्यूज आई थी कि हैरी पॉटर एक्टर डेनियल रेडक्लिफ MCU में मून नाइट का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अब खुद से ये स्टेटमेंट दिया है कि वो रूमर पूरी तरह से अब गलत है और वो उसको ऑफिशियली डिनाई कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से अभी भी MCU की मून नाइट के लिए अभी भी खोज जारी है, और देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मून नाइट का रोल कौन प्ले करेगा। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली कुछ न्यूज है डिज्नी प्लस और उनके शोज को लेकर। सो गाइस, अभी हाल ही में डिज्नी प्लस को लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 से 6 इंटरेस्टिंग अपडेट आई है, जो कि कुछ इस तरह से है। सो हैसब्रो कंपनी ने न्यूयॉर्क टॉय फेयर 2020 में अपने प्रेजेंटेशन के दौरान दो डिज्नी प्लस सीरीज हॉकाई और मिस मार्वल की रिलीज डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि 2021 में डिज्नी प्लस पर व्हाट इफ सीरीज के साथ हॉकाई और मिस मार्वल TV शो रिलीज होंगे। इसके अलावा वांडा विजन और फैल्कन विंटर सोल्जर सीरीज के सेट से कुछ इंटरेस्टिंग सेट फोटो रिवील हुए हैं, जिसमें पहला तो है वांडा विजन का सेट फोटो, जिसमें एंटमैन 2 में अपीयर हुए जिमी वू का कैरेक्टर मोनिका रैम्बो के साथ अपीयर हो रहा है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इमेज में मोनिका सोर्ड की यूनिफॉर्म में है। सो इस तरह से एक बार फिर से MCU में सोर्ड का डेब्यू कंफर्म हो गया है। यानी फैल्कन विंटर सोल्जर के सेट से भी ये इमेज, जिसमें फैल्कन और विंटर सोल्जर एक साथ अपीयर हो रहे हैं। पर इस टीवी सीरीज से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये आई है कि इस टीवी सीरीज में इजाया ब्रैडली का कैरेक्टर, जिसे मार्वल यूनिवर्स में ब्लैक कैप्टन अमेरिका के नाम से भी रेफर करा जाता है,
वो भी अपियर होगा। तो अब इस तरह से स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद इस टीवी सीरीज में फैल्कॉन, बकी, यूएस एजेंट और अब ब्लैक कैप्टन अमेरिका चारों ही मिलकर अपनी अपनी दावेदारी रखेंगे कि कौन सा करेक्टर न्यू कैप्टन अमेरिका बनेगा। तो गाइस अब देखते हैं कि इस टीवी सीरीज में किसकी सरकार जीतेगी और कौन सा करेक्टर कैप्टन अमेरिका की कुर्सी पर बैठेगा। वैसे आप इन सभी करेक्टर में से किस करेक्टर को कैप्टन अमेरिका की कुर्सी के लिए वोट करोगे ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल इसके अलावा डिज्नी प्लस के लिए 5 मार्च का दिन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसी दिन डिज्नी प्लस की जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो पूरे यूरोप में लॉन्च हो जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन ही डिज्नी प्लस के जो शोज हैं उनका कोई स्पेशल लुक आ सकता है। तो गाइस अब देखते हैं कि आने वाले इस दिन में कोई न्यू ट्रेलर या टीजर आता है या नहीं। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है स्पाइडरमैन की डील को लेकर। तो गाइस अभी हाल ही में जिस तरह से स्पाइडरमैन कुछ दिनों के लिए एमसीयू से बाहर हुआ था और अचानक से आ भी गया था वो सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग था, लेकिन अभी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि जो सोनी और जो डिज्नी की डील हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी 2 और मूवी आने वाली है जिसमें स्पाइडरमैन एमसीयू का पार्ट बन सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस डील के ओवर हो जाने के बाद स्पाइडरमैन का एमसीयू में फ्यूचर क्या होगा, क्या वो फिर से एमसीयू से बाहर हो जाएगा, उसको लेकर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आई है जो कि कुछ इस तरह से हैं। सो अपडेट के अकॉर्डिंग टॉम रैथमैन जो कि सोनी के सीईओ हैं उन्होंने स्पाइडरमैन डील को लेकर ये होप जताई है कि इस डील के ओवर हो जाने के बाद उनकी इच्छा रहेगी कि वो दोबारा से इस डील को आगे कंटिन्यू करें और स्पाइडरमैन का करेक्टर एमसीयू का ही पार्ट रहे। सो सोनी के सीईओ टॉम रैथमैन का यही बोलना बहुत ही बड़ी बात है और उन्होंने कुछ हद तक ये कंफर्म कर दिया कि आने वाले 10 से 15 सालों तक स्पाइडरमैन एमसीयू का पार्ट बना रहेगा। वैसे गाइस ओवरऑल ये सब पैसों की बात है, पूरे डॉलर्स की बात है। जब तक सोनी और मार्वल इससे पैसा कमाते रहेंगे तब तक ये डील चलती रहेगी और स्पाइडरमैन एमसीयू का पार्ट बना रहेगा। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो जेम्स गन के लिए पिछले हफ्ता थोड़ा सा सैड रहा क्योंकि अभी हाल ही में उनके डॉग की डेथ हो गई थी जिस वजह से वो इतने सैड थे कि उन्होंने अपनी सुसाइड स्क्वाड मूवी की शूटिंग को भी कुछ डेज के लिए कैंसिल कर दिया। प्लस शूटिंग रुकने से पहले मूवी के सेट से ये कुछ इमेजेस रिवील हुई थी जिसमें मार्गोट रॉबी एज हार्ले क्वीन, इद्रिस एल्वा एज पोलका डॉटमैन और डेनिला मेलचर को एज रेड कैचर के लुक में देखा जा सकता है। फिलहाल इस इमेज में सॉन गन भी हैं जो यहां शायद किसी सीजीआई कैरेक्टर के लिए मोशन कैप्चर कर रहे हैं। इसके अलावा द विचर के सीजन 2 में अपीयर होने वाले कुछ न्यू कैरेक्टर की कास्टिंग रिवील हो चुकी है जिसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे और फिलहाल अभी विचर एक्टर हेनरी कैविल इन सभी न्यू कास्ट मेंबर के साथ शूटिंग कर रहे हैं। यही नहीं, अगर आपको 2009 की ऑर्फन मूवी याद है तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जल्दी इस मूवी का सीक्वल देखने को मिल सकता है। तो गाइस इस तरह से यही थी आज की सभी न्यूज और अपडेट। आई होप आपको आज की सभी न्यूज पसंद आई होगी। वैसे अगर आप मेरे को पहली बार बोलते हैं सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूरी सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड सारी अपडेट लेकर आता रहता हूँ। वैसे अभी साइड में भांगड़ा बज रहा है, मैं देख के आता हूँ कि भांगड़ा वांगड़ा बज रहा है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।